नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल सभी लाइफ पर। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे JNB क्लासिक्स का जो रिजल्ट आया था उसका वेटिंग लिस्ट कब आएगा। तो जैसा कि आप जानते हैं कि रिजल्ट हाल ही में घोषित हुआ है और जितने भी बच्चों का रिजल्ट में नाम है फाइनल लिस्ट में उतने सारे बच्चों का भी नामांकन होगा, यानी कि आज चूँकि 15 जुलाई है तो आज से सबका नामांकन शुरू होने वाला है। तो चलिए जो भी पेपर में आ जाया था वो बता दें आपको किस तरह से नामांकन सबका होने वाला है और रिजल्ट कब तक जारी हो जाएगा, पेपर के अनुसार से आप अनुमान लगा सकते हैं। चलिए देखते हैं। 15 जुलाई से होगा नवोदय विद्यालय में नामांकन। जवाहर नवोदय विद्यालय में आयोजित प्रवेश परीक्षा में उत्तीर्ण छात्र छात्राओं का दाखिला अगले 15 जुलाई से आरम्भ हो जाएगा, यानी आज से ये शुरू होगा और 15 से 18 तक क्या होगा 3 दिन निर्धारित किया गया है। इस संबंध में नवोदय विद्यालय के प्राचार्य एस त्यागराजन ने बताया कि परीक्षा का परिणाम विद्यालय के वेबसाइट पर प्रकाशित किया जा चुका है। नामांकन में अभिभावकों के सहूलियत के लिए 15 जुलाई को क्रम संख्या 125, 16 जुलाई को क्रम संख्या 26 से 50 तथा 18 को 51 से 80। तो इसका मतलब क्या है कि आज जो 15 है 15 से 18 के बीच में जितना भी आशु बच्चों का उनका नामांकन प्रोसेस होने वाला है और उनमें जिनका अगर नहीं हो पाएगा कोई कागज़ में प्रॉब्लम होगा किसी वेरिफिकेशन में तो जितने भी बच्चों का वो सीट खाली हो जाएगा तो उसके हिसाब से उसी के कुछ दिन बाद में वेटिंग लिस्ट जारी कर दिया जाएगा। क्योंकि यहीं से निकलता है ना, पहले से तो तय होता नहीं कि हाँ इसके बाद में किसको लिया जाएगा। हाँ ये ज़रूर है कि पहले ही लगभग 100-150 के आसपास में वो निकाल कर रख लिया जाता है क्रम वाइज और पहला जो 80 होता है उसका रिजल्ट जारी किया जाता है और उन 80 में से सबका कागज़ वेरिफिकेशन किया जाता है। अगर उसमें किसी का अगर नहीं हो पाता है किसी कारण से तो वो जो अगला होता है 81 से आगे जो होता है वो सबको एक साथ में सेकेंड लिस्ट में जिसको वेटिंग लिस्ट हम बोलते हैं उसमें जारी किया जाता है। ठीक है, तो आप ये देख सकते हैं कि जिनका क्रम संख्या आपका दिया हुआ कि कितना क्रम संख्या पे आपका दिया गया है रिजल्ट उसके हिसाब से आप जाएंगे क्लास में, आपको सब बता दिया जाएगा फ़ोन करके। कॉल आगे ही क्या होगा आप लोगों को कि कब आना है, क्या क्या कागज़ कराना है। फिर भी आपको कोई परेशानी हो तो आप कमेंट में लिखिएगा, बता दें कौन कौन सा डॉक्यूमेंट ज़रूरी होता है इसके लिए। तो इसके बाद मैंने 18 जुलाई के बाद ही आप सुन सकते हैं, यानी 20 इस महीना में संभव है तो आ सकता है या फिर इसके बाद में आ जाए। जहाँ तक मुझे अनुमान है इसके बारे में बताया जाए कि बहुत ही कम ऐसा होता है जिसका वेटिंग लिस्ट आता है, फिर भी जो दिए हैं जो बच्चे कंफर्म है कि उनका वेटिंग लिस्ट में आ सकता है तो आप इंतज़ार करिए। फिर भी एक सलाह हमारी यही रहेंगे कि आप जो भी आप अपना पढ़ाई कर रहे हैं किसी दूसरे कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हैं तो वो आप जारी रखें, क्योंकि वेट करने से कुछ नहीं होता है। वेट करने से आप जो अपना कीमती समय आप बर्बाद कर रहे हैं, अगर वो आ जाता है तो ठीक है बीच में ही आप वहाँ पे जा सकते हैं, लेकिन अगर नहीं होता है तो आप दूसरे एग्ज़ाम को भी क्रैक कर सकते हैं। तो यही थी जानकारी मैंने आपको बता दिया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप उन दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नए नए नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। तो मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।